हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एप्लेनेटिक पॉइंट। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं हमारे पास अविपत्ति बिंदु। एप्लेनेटिक पॉइंट का जल्दी से थोड़ा सा डेफिनेशन समझा देती हूँ, देन वी विल गो फॉर द डेरिवेशन। सो एप्लेनेटिक पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है और यहाँ से इसका रिफ्रेक्शन हो सकता है या फिर रिफ्लेक्शन, दोनों के लिए ही वैलिड होता है। और ये हमारे पास इसकी एक्सिस है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर अगर हम हमारी ऑब्जेक्ट को रखें तो उससे किसी भी एंगल पे कितनी भी रेज जाए, वो सारी की सारी जो रेज होंगी रिफ्रेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में है, तो ये आपके पास आई पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। सो ये हमारा उस कंडीशन में ओ और आई जो है इनका जो पेयर होगा, इस पेयर को अपन क्या बोलेंगे, एप्लेनेटिक पॉइंट्स बोलेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि ओ पॉइंट पे आपने रखा और सपोज थीटा वन एंगल पे ये पहली रे गई, थीटा टू पे ये दूसरी गई, तो ये अलग जगह जाके फोकस हो रही है और वो अलग जगह, तो यहाँ पे आपको पहली इमेज मिल जाएगी, यहाँ पे दूसरी इमेज मिल जाएगी। सो इस कंडीशन में एप्लेनेटिक पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस कंडीशन में एप्लेनेटिक पॉइंट आएंगे और इस कंडीशन में नहीं आएंगे। हम डेरिवेशन करते हैं कि ओ पॉइंट पे एक पॉइंट मिरर से या जो भी हमारा लेंस है उस लेंस से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट तो जरूर हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो हमें एक फिक्स पॉइंट पर ही वो सारी की सारी जो रेज होगी वो फोकस्ड मिलेगी। सो चलिए हम इसका डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। ओके, सो ये हमारा सपोज करो स्फेरिकल सरफेस है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ सो देट हमें समझने में आसानी रहे। और ये इसकी एक्सिस है, एक हमारा होता है सबसे एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि अगर आपका लेंस इस तरह से है तो अगर आप उसे कंप्लीट करते हो तो उसका सेंटर कहाँ पे बनेगा, सी पे, तो ये सी है। और हम जानते हैं कि इससे इसकी जितनी भी डिस्टेंसेस आप लेंगे वो सारी किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। सो अगर आप यहाँ से इसके ऊपर सीधा मिला दे सरफेस को तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा, जिसे हम कह सकते हैं अभिलंब। ठीक है, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगी, सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो ए सी आपके पास किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम हमारा सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी जो रे है वो यहाँ जाएगी इस तरह से, ए पे गई, और सपोज ए के बाद वो आपके पास आगे निकल जाती है और किस डायरेक्शन में जाती है, मैं थोड़ा पहले पीछे लेती हूँ, इस डायरेक्शन में। तो मैं थोड़ा सा पाथ रेड कलर से बना देती हूँ सो देट हमें कन्फ्यूजन ना हो। हमारी इंसिडेंट रे ये रही रेड कलर से जो मैंने बनाया है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और यहाँ पे हमारी जा रही है आफ्टर रिफ्रेक्शन। तो जाहिर सी बात है दिख सकते हैं कि जो रिफ्रेक्टेड रे है वो एक्सिस से दूर होती जा रही है, तो आगे तो जाके वो एक्सिस को कट नहीं करेगी, तो हमने उसको पीछे की तरफ बढ़ाया और पीछे की तरफ वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, आई से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पीछे की तरफ आई से। अब हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्रेक्टेड एंगल देखते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रेक्टेड एंगल दोनों ही कहाँ से लिए जाते हैं, नॉर्मल से लिए जाते हैं। हमारे केस में नॉर्मल क्या है, हमारा ए सी। तो ए सी और इंसिडेंट रे के बीच में हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे ओ से जनरेट हुई और कहाँ पे गई, ओ ए, तो ये हमारी ओ ए हो गई। और रिफ्रेक्टेड रे हमारी कौन सी हो गई, रिफ्रेक्टेड रे हमारी हो गई ए, और सपोज करो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बी, तो ए बी हमारी कौन सी है, रिफ्रेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, नॉर्मल, विच इज हमारा ए सी जो है नॉर्मल है और ए बी ए, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। और ये हमारा हो जाएगा इतना सा पार्ट, देखिए ब्लू किया है मैंने, ये हमारा हो जाएगा आई, क्योंकि ओ ए हमारी इंसिडेंट रे है और ए सी हमारा नॉर्मल है। अगर ये आपका आई एंगल है और ये पूरा का पूरा, हम जानते हैं देखो दो लाइनें जब इस तरह से क्रॉस करती है तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यहाँ पे अगर ये वाला आर है तो इस पूरे को करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, आर। उसमें से आपने ये छोटा वाला एंगल जो है वो तो आई बना दिया, तो अब जो रिमेनिंग एंगल रहा है ये वाला रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका, आर माइनस आई। बेसिकली मैं लिख देती हूँ, हमारे पास एंगल इस पॉइंट को मान लीजिए आप सी तो ले चुके हैं, यहाँ पे मान लीजिए डी। देखो हमारा जो डी ए बी है वो किसके इक्वल है, अगर वर्टिकली ये वाला कंसेप्ट लगा के देखोगे तो वर्टिकली ऑपोजिट में कौन सा हो रहा है, एंगल आई ए सी, और ये आपका है आर। और आई ए सी को दो पार्ट में तोड़ सकते हो आप, कौन कौन से, आई ए ओ प्लस एंगल ओ ए सी,
है ना। अभी आई ए हमें पता है ये आर है, ये हमें पता नहीं है आई ए ओ, प्लस ओ ए सी इंसिडेंट एंगल है हमारा जो कि आई हो जाएगा। सो यहाँ से अगर एंगल आई ए ओ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आर माइनस आई हो जाएगा। सो ये ज्योमेट्री से भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको करके बता दिया। अब आपको क्या करना है, सपोज आपका ये एंगल है थीटा, मान लीजिए एंगल हमने मान लिया थीटा, और ये एंगल जो है वो है आपका फाई, यानी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो किरण है रे है वो थीटा एंगल बना रही है, और इमेज की जो रे है आगे बढ़ाने पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फाई एंगल बना रही है। अब थोड़ा सा हम स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं एट पॉइंट ए। तो स्नेल लॉ क्या कहता है आपके पास, म्यू वन साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन आई टू। सपोज इस ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास है म्यू, म्यू ओनली, और इधर एयर है। अगर एयर है तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो इस कंडीशन में हमारा इंसिडेंट जो है वो किस में है, ग्लास के अंदर है हमारी इंसिडेंट रे, तो उसका हमारे पास हो जाएगा म्यू साइन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया है आई, बाहर एयर है, एयर की जगह वन आ जाएगा और साइन आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप साइन आई और आर का रेशियो ले तो वो हो जाएगा म्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। अब मान लीजिए हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर फिक्स है, ये सी चेंज नहीं होगा किसी भी हाल में। तो सपोज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ऑब्जेक्ट है वो हम एक फिक्स डिस्टेंस पे रखते हैं, और वो डिस्टेंस है मान लीजिए आर बाई म्यू। हमने यही डिस्टेंस क्यों ली, थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ओ सी आपके पास कितना है, आर म्यू है। तो अब अगर आप ट्राइंगल ओ सी ए देखें, ट्राइंगल ओ सी ए, तो ट्राइंगल ओ सी ए में ये देखिए ट्राइंगल ओ ओ सी और ए, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ सो देट आपके आसान हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ओ सी और ए, एंगल देखिएगा इधर थीटा है और यहाँ पे है आई, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास है आर बाई म्यू और ये डिस्टेंस आपके पास है आर। इसमें साइन का कंसेप्ट लगाते हैं, साइन का कंसेप्ट होता है सपोज अल्फा है, बीटा है, गामा है, गामा अल्फा के सामने वाली लेंथ ए, बीटा के सामने वाली लेंथ बी, और गामा के सामने वाली लेंथ सी होती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी इज इक्वल टू साइन गामा बाय सी। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप जल्दी से देख लीजिए थीटा के सामने कौन सी लेंथ है आर, और आई के सामने कौन सी लेंथ है आर बाई म्यू। तो यहाँ लगा देते हैं, तो साइन थीटा के सामने है आर और साइन आई के सामने है आर बाई म्यू। तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको साइन थीटा अपॉन साइन आई मिल जाएगा म्यू के इक्वल। वन और टू को कंपेयर कीजिए, राइट हैंड साइड सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा सेम। तो थीटा और आर इक्वल आ रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन आर आ रहा है, और यहाँ से आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, ये हमारा रिजल्ट हम यूज करेंगे। नाउ अगेन आप देखिए ट्राइंगल में बता देती हूँ कौन सा ट्राइंगल लेके चलना है। ये देखिए आई ए और ओ, ट्राइंगल आई ए ओ को देखिए एक बार जल्दी से आप। तो मैं इसका कहाँ पे बनाऊँ, ट्राइंगल आई ए ओ यहीं से बना देती हूँ। चलो ये आपका बन रहा है आई, यहाँ पे बन रहा है आपका ए और ये आपका बन रहा है ओ, ठीक है। ये एंगल देखो फाई है और ये एंगल अभी अभी आपने निकाला कितना है आर माइनस आई, और इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर ये बन रहा है थीटा। हम जानते हैं एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल एंगल के टोटल के इक्वल होता है। तो थीटा आपका क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का टोटल, यानी फाई प्लस आर माइनस आई इज इक्वल टू थीटा। तो आपका हो जाएगा फाई प्लस आर माइनस आई इज इक्वल टू थीटा, और हमने देखा कि थीटा और आर तो इक्वल है, अगर थीटा और आर इक्वल है तो आर और थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से आपको फाई की वैल्यू मिल रही है आई, ठीक है। फाई की वैल्यू आपके पास आ गई। अब फिर से हम ट्राइंगल देखेंगे आई सी। अगर आपको स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है वीडियो की, तो आप इसकी स्पीड सेटिंग में जाके स्पीड को 0.75 या 0.5 पे करके देख सकते हैं, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ट्राइंगल आई सी ये देख लीजिए डायग्राम में, मैं दिखा देती हूँ आपको। ट्राइंगल आई सी ए, ये रहा हमारा आई, ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा ए। अगेन इसमें हम साइन का लॉ लगाएंगे, तो एक एंगल देखो फाई है, फाई के सामने वाली लेंथ कितनी आ रही है आर, ठीक है, और देन आपका ए सी हो जाएगा और आपका इधर बन रहा है पूरा का पूरा आर। इधर आई सी ए मैं ड्रॉ कर देती हूँ और आप ज्योमेट्री से थोड़ा सा देख लेना, आई सी ए आपको ऐसा दिखेगा आई सी और ए। यहाँ पे आपको मिलेगा आर, यहाँ पे आपको मिलेगा फाई, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और ये लेंथ हमारे पास है आर, तो हमें आई सी निकालना है। तो यहाँ से देखो साइन फाई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन आर अपॉन आई सी। आई सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आई सी आपका आ जाता है साइन आर अपॉन साइन फाई एंड मल्टीप्लाई बाय आर आ जाएगा। साइन आर अपॉन साइन फाई किसके इक्वल है, राइट, ये आपके पास साइन आर
फाई की वैल्यू आपने देखो यहाँ से क्या प्रूव करी है, फाई इज इक्वल टू आई हो जाएगा, तो साइन फाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन आई लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय आर। और इक्वेशन वन से आपको ये स्नेल का लॉ हमने लगाया था, तो ये आपको मिलेगा म्यू आर, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा म्यू आर। तो आईसी की वैल्यू आपके पास आ रही है म्यू आर। अब हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमें ये मिला कि इसका मतलब ये स्फेरिकल सरफेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था और ये आपके पास आई बना था। अगर ये डिस्टेंस हम आर बाय म्यू लेके चलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अगर हम आर बाय म्यू लेके चलते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेज की डिस्टेंस आती है वो कितनी मिलती है, म्यू आर। इसका ये मतलब है कि ओ पॉइंट से अगर कितनी भी रेज यहाँ पर निकल रही है, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट, सॉरी सबका एंगल अलग अलग है, क्योंकि इस एंगल को हमने थीटा माना है। तो सपोज ये थीटा वन हो जाएगा, ये थीटा टू हो जाएगा, ये थीटा थ्री हो जाएगा, ये थीटा फोर, ये सारी की सारी रेज के लिए, सारे के सारे जो भी इन सब रेज, ये सारी कहाँ कहाँ से जनरेट हो रही है, ये ओ पॉइंट से जनरेट हो रही है, राइट? और ओ पॉइंट आपका सी पॉइंट के साथ फिक्स है, तो इन सभी रेज के लिए ओसी डिस्टेंस हमेशा आर बाय म्यू यानी कि फिक्स रहेगी। और अगर ये फिक्स्ड मिल रही है, तो ये सारी की सारी किरणें जो है रेज है आफ्टर रिफ्रेक्शन, आफ्टर रिफ्रेक्शन क्या होती, ये हमें आई से आती हुई दिखाई देगी। ये सारी की सारी देखो हमें आई से आती हुई दिखाई देगी, व्हाई? क्योंकि आपके पास जो इमेज की डिस्टेंस मिल रही है आईसी, वो कितनी मिल रही है, म्यू आर। देखो इसमें अगर थीटा नहीं है तो इसमें भी थीटा नहीं मिल रहा है, यानी अगर इस डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो सारी की सारी रेज आई पॉइंट पे फोकस होगी और उसकी डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी, जो कि कितनी होगी, म्यू आर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से 1000 रे भी बनाओगे तो सारी की सारी अलग अलग पॉइंट में नहीं जाएगी। अलग अलग पॉइंट पे जाने का मतलब, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं रीजन बताऊंगी कि ये आर बाई म्यू क्यों लिया था हमने लास्ट में। तो आर बाई म्यू अगर मैं नहीं लेती, अगर ये डिस्टेंस आप आर बाई म्यू नहीं लेते, कुछ भी और लेते, तो आपके पास ये लास्ट में थीटा के टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होते। ये जो साइन में हमने काफी चीजें रख दी है, हमें साइन थीटा का टर्म मिलता फाइनल एक्सप्रेशन में। और अगर हमें आईसी में सपोज करो आपको म्यू आर साइन थीटा मिल जाता, तो अगर फिर ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऑब्जेक्ट से अलग अलग एंगल पे जो रेज निकलती वो अलग अलग एंगल पे जाके फोकस होती, तो थीटा पे डिपेंडेंट मान लोगे तो फाइनल हमें एप्लेनेटिक पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप एप्लेनेटिक पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, कि किसी फिक्स डिस्टेंस पे यानी किसी भी लेंस से एक पॉइंट तो ऐसा होता ही होता है जहां से निकलने वाली सारी रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन किसी एक पॉइंट पे ही जाके फोकस होती है या वहां से आते हुए दिखाई देती है। इस पेयर को हम बोलते हैं एप्लेनेटिक पॉइंट। सो थैंक यू।